इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आया है होस्टिंग दोस्त राहुल भोज। आने वाले दिनों में मंडे ट्यूसडे वेंसडे हो जाएगी दोस्तों वाइल्ड कार्ड एंट्री। और क्या आप जानते हैं कि वाइल्ड कार्ड कौन बनकर आ सकते हैं? आइए इस वीडियो में बताता हूं आपको सारी चीजें। दोस्तों इस बार का बिग बॉस एक अलग ही लेवल का बिग बॉस है। बिग बॉस हर वक्त पे टाइम पे सीन को पलटा रहे हैं, सीन को चेंज कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों हमने देखा विकास और अर्शी का भयंकर महाझगड़ा होता है, जहां पर विकास गुप्ता अर्शी को स्विमिंग पूल में धक्का देता है। उसके बाद वो वहां से 9-11 ठीक है, उसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि हे डूड, तुम अपना सामान पैक करो, तुम निकल जाओ, क्योंकि तुम जो है बिग बॉस के घर में रहने लायक नहीं हो। विकास गुप्ता आउट हो जाते हैं, जनता की तरफ से अलग अलग रिएक्शन आता है दोस्तों। फिर उसके बाद वीकेंड के वार पे हम सलमान खान जी को देखते हैं कि किस तरीके से वो विकास गुप्ता को भयंकर सपोर्ट करते हुए अर्शी खान को बुरी तरीके से बैश करते हैं। और यहां पर दोस्तों अर्शी खान खा जाती है मात, क्योंकि अर्शी बैक टू बैक करके विकास गुप्ता के घर के पर्सनल मुद्दों को नेशनल टेलीविजन पे लाती है। विकास गुप्ता की पोल पे पोल खोल देती है कि ये आदर्श बेटा नहीं है, ये अपनी माता जी के साथ इस तरीके का व्यवहार करता है, वगैरह वगैरह सारी बातें। अब आपको बता दूं दोस्तों, तो विकास गुप्ता फिर से घर के अंदर आने वाले हैं। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आने वाले दिनों में विकास गुप्ता की दमदार एंट्री हो जाएगी घर के अंदर। ऐसी खबरें आ रही हैं बहुत ही इनसाइड सोर्सेज की तरफ से, और ये भी बात आ रही है कि ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे में आ जाएंगे वो, और उसके बाद आने के बाद वो फिर से एक बार छा जाएंगे। विकास गुप्ता की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जनता उन्हें पसंद भी करती है, मतलब जनता और उनके ना लव एंड हेट रिलेशनशिप है, जहां पे विकास गुप्ता की स्ट्रैटेजीज, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग जनता बहुत पसंद करती है। लेकिन जब विकास गुप्ता उन जनता के किसी फेवरेट वन पर वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तो जनता को भड़क जाती है, जनता गुस्सा दिखाने लग जाती है। लेकिन अच्छा है, विकास गुप्ता आएंगे, कम से कम कुछ तो मास्टरमाइंड खेलेंगे वो, लेट्स सी, देखते हैं। आपको क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।